नोटिस किया है भोजन और अननोन नंबर से अपनी बीवी को मैसेजेस भिजवाना है हैशटैग नॉट फन। अगर तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना देन आई एम गोना किल यू, और अगर ये मिष्टी जानबूझ के कर रही है देन तो डेफिनेटली आई एम गोना किल यू। हाईवे पे क्या कर रहा है? मूवी देखने? कुनाल कुनाल का नंबर ट्राई करती हूँ। कम ऑन कम ऑन। कुनाल की भी लोकेशन उसी जगह की। राजवंश ब्रदर्स मूवी देखने गए थे पर हाईवे पे तो कोई सिनेप्लेक्स नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो सच में किडनैप हो गए, इसीलिए मिष्टी भाग के गई है। काम हो या जीवन, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैं और मेरा परिवार बीते हुए कल में नहीं जीते, पर पुरानी बातें याद कराने के लिए आप जैसे लोग हैं ना। मैम आपके हस्बैंड की बात बाकी सबके लिए तो गॉसिप होगी, लेकिन हमारे लिए जैसे आपने उनसे डील किया एक इंस्पिरेशन है। आपसे तो हर लड़की को, हर मैरिड लेडी को प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इंस्पिरेशन की बात की है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों को जो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्हें अंदर भेज दीजिए। बिंदा आपने मुझे अंदर आइए। माफ कीजिए मैं बाद में आती हूँ। मैंने कहा ना अंदर आइए। जी कल आपके हाथों इनॉग्रेशन हुआ है तो ये लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज जवाब दीजिए। हे अंबे मां, नहीं नहीं बिंबा, मैं सबसे क्या बात करूं? पारुल मैम, विल यू बी जॉइनिंग रेड बियर नाउ? इफ शी डज आई विल बी वेरी हैप्पी। दैट्स वंडरफुल मैम। पारुल, ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप भी ऑफिस आना चाहती हैं? एक्चुअली पारुल गांव में पली बड़ी है तो वो सिर्फ गुजराती जानती है और हाँ शहर में रहकर हिंदी बोलना सीख गई। बेनबा ठीक कह रही है, मुझे ऐसे अंग्रेजी में बात करना, आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ये नहीं आता, लेकिन जितना आता है जो भी आता है मुझे मेरी बेनबा ने सिखाया। आप सबके सामने दो बात कहते कहते मेरी सांस ऊपर नीचे हो गई तो मेरा यार क्या काम? मैं घर पर ही खुश हूं, बहुत खुश। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, कुणाल को इतनी अच्छी परवरिश दी कि इस गुजराती माध्यम का बेटा विदेश जाके अंग्रेजी स्कूल में इनाम पे इनाम जीतता गया। मैंने घर के बच्चों से थोड़ी सी अंग्रेजी सीखी है तो एक ही बात कहना चाहती हूँ। थैंक यू बेबा, थैंक यू वेरी मच। यू आर अमेजिंग मीनाक्षी मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू मैम। ओके, कल दुनिया के सामने आपने मेरी जगह ली थी पारुल, आज मैंने आपको आपकी असली जगह दिखा दी। अब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। ओ गॉड कान्हा जी, अबीर और कुणाल सचमुच कोई खतरे में है। मुझे लगा कि वो कोई प्रैंक कर रहा है। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। भैया भैया वो देख, मेरे पास तेरे साथ लड़ने का टाइम नहीं, मुझे जाने दे। तू ऐसा क्या कर रही है जो दो मिनट रुक के मुझसे फाइट नहीं कर सकती? हाँ भैया भैया, अर्जेंट काम है तुझे, बता कहाँ जा रही है? पुहू, ये जो तेरे मन में चल रहा है ना मिष्टी को हरा कंपटीशन नहीं है, जिसमें तू फेक कॉल्स करके सबको बताया कि तू बहुत बिजी है। मुझे जाने दे, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन तूने मुझसे झूठ बोलने का टाइम निकाल लिया ना। मुझे पता है कि अबीर ब्रो और कुमार डेंजर में और तू उन्हें अकेली बचाने जा रही है। तू चाहती है कि फिर से सारा क्रेडिट तू ले जाए और मैं हैशटैग साइड चिक बन के रह जाऊं, राइट? कि हर सिचुएशन को कंपटीशन बनाने का टैलेंट तुझ में आया कहां से यार? मैडम आप लोग को नहीं जाना है, झगड़ा करना है तो मुझे क्यों बुलाया आप लोगों ने? भैया एक मिनट रुकिए,
देखो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाने दे प्लीज। और तुझे लगता है कि तू अकेले उन दोनों को बचा लेगी मेरे बिना? अगर अकेली होती ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेती, लेकिन अब तेरी नॉनसेंस बातें सुनने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। भैया, अरे यार रुको। देख, इनसे भी तेरी ग्रेट बातें सुनी नहीं गई, अब क्या करें? अच्छा, बड़ा जैसे तू तो बड़ी राजकोट की वॉइस है, हाँ तेरी आवाज मुझसे ज्यादा श्री। तो एक ही तरीका है। स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी, तू बहस बात में करना, ले फोन पकड़। फाइन, फिलहाल अबीर और कुणाल को ढूंढने के अलावा और कोई काम प्रायोरिटी नहीं है, चल जल्दी पकड़ ले कसके, कुछ भी हो सकता है। ओ मैडम, मेरी गाड़ी। मैडम, इंटरव्यू अपलोड हो गया होगा? बस अपलोड होने ही वाला होगा मेनू, मैं देखता हूँ। देखो, मैं रसोड़ा संभाल लूंगी, घर तो संभालती आई हूँ और रसोड़े का काम भी करती आई हूँ, पर क्या पारुल ये बिजनेस, कंपनी, ये सब काम संभाल सकती है? अरे हो क्या है मेनू बहन, बिल्कुल नहीं। ये इंटरव्यू आना बहुत जरूरी था कि परिवार को जोड़ कर रखने की कीमत मैं जानती हूँ, पर ये कीमत मैं और मेरा भाई कोशलू तो नहीं हो सकते ना। कीमत हम कैसे हुए मीनू बहन? कुणाल पारुल का बेटा है, तो क्या अब इस बिजनेस के लिए मैं और मेरा कोशलू भाई इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं नहीं, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा पता नहीं क्यों अब तुम पहले वाले कोशलू नहीं हो जिसे लैपटॉप के नाम से ही डर लगता था। मुझे चिंता है अबीर की, अतुल की। अबे अतुल नहीं, बात तो रेवाज जो, अतुल को सिर्फ अपने एक्टिंग क्लासेस से लेना देना है, वो तो फोन भी नहीं करता मीनू बहन। तो क्या हुआ, इसलिए तो मुझे उस बच्चे की ज्यादा चिंता है। माम बे ना करे और कल को पारुल की बुद्धि फिर गई तो? अबीर तो एनजीओ से जुड़ा है, पर हमारा अतुल, घर का बेटा अतुल, वो क्या करेगा? नहीं मीनू बहन, पारुल बहन ऐसा नहीं करेंगी। मेहुल के बारे में भी हम ऐसा ही सोचते थे, है ना कोशलू? बात तो साची है मीनू बहन। इंटरव्यू बेटा, मुझे आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, कुणाल को इतनी अच्छी परवरिश दी कि इस गुजराती माध्यम का बेटा विदेश जाके अंग्रेजी स्कूल में इनाम पे इनाम जीतता गया। मीनू बहन, ये तो सारा क्रेडिट पारुल बहन ले गई फिर से, अब हम क्या करेंगे? सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ सर, भू समर फेस्टिवल के क्लाइंट आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। जाओ उनको बोल दो मैं बिजी हूँ। पूछ लो, बिजनेस रूल, क्लाइंट आए हैं तो मीटिंग करनी चाहिए। अब नहीं मीनू बहन, मैं बाद में मिल लूंगा। पर अभी क्यों नहीं कोश लो? अरे मीनू बहन, वो लोग चाहते हैं कि उनका समर फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज करें, लेकिन उन्हें हमसे मिलने पहले आना चाहिए था ना, अब बहुत देर हो चुकी है। कोश लो, जिस लड़की ने अभी इंटरव्यू लिया उनसे बुलाओ। क्या? प्लीज प्लीज जल्दी। मीनाक्षी राजवंश के लिए वक्त भी रुकेगा। रुक 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 रुक, लोकेशन पे यही डब आए, रुक जा। भैया यहाँ क्या हुआ था? ये सब पता नहीं मैडम, कुछ लोग गाड़ी से आए और दो लड़के बैठे हुए थे यहाँ पे, उन्हें उठा कर ले गए। क्या? और बेचारे वो दो लड़के बड़े घर के दिख रहे थे। ये दोनों थे? हाँ मैडम, यही तो थे, और लड़ाई झगड़े में उनका फोन भी गिर गया था। एक मिनट, मैं लेकर आता हूँ। मैडम ये देखिए, ये तो अभी फोन कुणाल का फोन है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं अभी पुलिस को फोन लगा रही हूँ। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। पर क्यों? उठाई गिरोह ने कहा था कि अगर पुलिस वाले को बुलाया ना तो अच्छा नहीं होगा, अरे इसलिए तो मैंने भी फोन नहीं किया ना। ये सब कब हुआ था? मैडम एक घंटा पहले। एक घंटे पहले? तुझे तो लग रहा था कि ये प्रैंक है, हैशटैग सिली जोक, तेरी वजह से आज फुल वन आवर वेस्ट हो गया, वन आवर फुल। वो तुझे किडनैपर्स का फोन आया था, लेकिन तुमने मिस कर दिया, मिस्टी मिस कर दिया, तेरी वजह से ये सब हुआ है। मैसेज तो तुझे भी आया था ना, तू भी कुछ कर सकती थी, या तो फिर तू वेट कर रही थी कि मैं कुछ करूं और मेरे काम में आके तू फिर से टांग अड़ाए। देख अभी लड़ने का समय नहीं है, हमें कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। नहीं मिस्टी, पुलिस को फोन मत करना। क्या कर रही है तू, पागल है क्या? अननोन नंबर से। हेलो हेलो मिस्टर किडनैपर। हां लड़के मेरे कब्जे में, देखो
तुम लोगों ने पहले ही बहुत लेट कर दिया, अब फौरन मेरे बताए हुए पते पर पैसे लेकर पहुंचो, वरना एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। देख, लेट तेरी वजह से हुए और किडनैपर ताना मुझे दे रहा है। एक मिनट कहूँ, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। ये देख मैसेज आया। तू वेट, आई थिंक ये कोई ट्रैप है। तू थिंक करती रह, मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। कुहू क्या कर रही है, बेवकूफी मत कर यार। क्या कर? कुहू, कुहू, आज चल आउट थी। प्लीज हैव अ सीट। नमस्ते। इनसे मिलिए, मिस्टर शुक्ला, गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं। मिस्टर शुक्ला, भुज समर फेस्टिवल इस बार रेड पेर आयोजित करेगा। इतने कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहना बहुत हिम्मत का काम है मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस्टर शुक्ला। इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपनी मेहनत के बल पर खड़ी की है। सो गाइस, भुज समर फेस्टिवल रेड पेर आयोजित करेगा। सारा काम मेरी निगरानी में कुणाल करेगा। कुणाल मेरा बेटा तो नहीं है, पर सारा काम उसने मुझसे ही सीखा है। एक बार ये फेस्टिवल हो जाए, फिर आप लोग तय कीजिएगा कि किसे क्रेडिट देना है अच्छे काम के लिए। मिस्टर शुक्ला, भुज समर फेस्टिवल एक यादगार फेस्टिवल रहेगा, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। लोकेशन तो यही की है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुनसान रास्ता, अकेली लड़की। एक्सक्यूज मी, मैंने बाघी 1 2 3 तीनों देख रखी है और सूर्यवंशी की प्री बुकिंग भी करा ली है मैंने। एक दो मौके पे तो मेरे दोस्तों ने मुझे हैशटैग लेडी सिंगम भी बोला है। आप लोग जहां भी हो, प्लीज भैया बाहर। बेचारी लड़की को बिना उसकी परमिशन के छूने के लिए ये चोट भी काफी नहीं है तुम्हारे लिए। लगी तो नहीं? असली लेडी सिंगम तो ये, लेकिन तुमने तो कहा था तुम अकेली आओगी। सॉरी भाई। और तुमने सोचा था कि तुम अकेली लड़की पे अपनी ताकत आजमा लोगी। अब पता चलेगा कि ये अकेली लड़की तुम्हारा क्या हाल करती है। कुहू, कट। ओके। अब तुम दोनों हमें कुणाल और रबीर तक लेके जाओगे। चलो चलो। अगर आज मैं नहीं आती ना तो तू किडनैप हो जाती। पर अरे यार, मैंने कहा था कि कोई ट्रैप है, लेकिन मेरी बात सुनने में तो तुझे ब्रीदिंग इश्यू हो जाता है ना। तो अरे यार, आज तू लकी थी, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा ना तो तू किसी दिन बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाएगी। कू इतनी सीरियस सिचुएशन में तू मेरी बात सुना कर यार। यहाँ से किधर जाना है? दीदी, यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट। कुणाल कहाँ है? निधि, बेनबा, अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी। सच बता रही हूँ, आप एकदम राइस लग रही थी। राइस राइस नहीं होता, नाइस होता है निधि। सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। पर बेनबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस वीडियो में पारुल बेन भी थी, पर वो तो ऑफिस नहीं जाती ना, तो फिर वो इस वीडियो में क्यों थी? इट्स ओके निधि, मैं, तुम, हम सब परिवार के और ऑफिस दोनों के ही सदस्य हैं, है ना? अब और मैं कुछ कहूंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं सबको परिवार में कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ, है ना? तो दरदरा है। पारुल, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पिछले साल ये मसाला बहुत दरदरा पीसा गया था, इस साल ऐसा ना हो। जी बेनबा। एक बात आपसे जरूर कहूंगी, इस घर की रसोई आपका ऑफिस, और अगर रसोई में भी मुझे ध्यान देना पड़े तो फिर ये बात आपको ना अच्छी लगेगी और ना ही मुझे। हाँ बेनबा। थैंक्स। आप पर वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रसोई मैं संभालूंगी, आइंदा ऐसे नहीं होगा। मीनू बहन, एक छोटी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो
आपके घर आ जाने के बाद उमा पटेल ने मुझे बताया कि पिछले महीने भुज फेस्टिवल वाले कुणाल से मिले थे, तो तब कुणाल ने समर फेस्टिवल करने से मना कर दिया था। तो नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कुणाल सारा काम देखता है, उसे सब कुछ पता है, तो अगर उसने मना किया था तो सोच समझ कर ही मना किया होगा। अब आपको नहीं लगता कि उन्हें हाँ करने से पहले आपको एक बार कुणाल से पूछ लेना चाहिए था? कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना कौन सा नहीं, ये मैंने कुणाल को सिखाया है। और अब तुम्हें लगता है कि मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले कुणाल से पूछना चाहिए? नहीं मीनू बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। पूछ लो, मेरा फैसला पत्थर की लकीर है जो बदला नहीं जा सकता। मैं तो बस कौशल भाई, बेनबा कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकती। वो जैसा कह रही है वैसा कीजिए। अगर कोई होशियारी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। I agree। सीधे चल। बुरा कोई वो भी नहीं। इधर इधर दीदी इधर। चल। इधर ही था मैं। तो कोई नहीं है। अभी नहीं मैम। कहाँ लेकर आए हो? ये इधर 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 इधर। पक 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 पक। मिश्री तू ठीक है? मिश्री हाथ दे, हाथ दे मिश्री तू, तू ठीक है? हाँ हाँ। मैं हैशटैग एंकर क्वीन बन चुकी हूँ। इट्स ओके, पहले पहले सांस तो ले ले। मैं उन गुंडों को छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों ने मेरी आउटफिट खराब की है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें चोट तो नहीं लगी। तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? तू ठीक है? हाँ। किसी की नजर ना लगे। कुणाल, अबीर ब्रो, आप दोनों ठीक हो? हमें बचा लो, हमें बचा लो भैया। लेडी सिंगम दीदी ने हमें बहुत पीटा है। कुणाल तो है ना? अरे अरे, उठो 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 उठो। तुमने पीटा इन्हें? पीटा तुमने? कुणाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये बहुत वायलेंट टाइप की लड़की है, कभी भी वायलेंट हो सकती है। अरे अरे अबीर, तुम अबीर नहीं, तुम अजीब हो, तुम महाअजीब हो, तुम दोनों महाअजीब हो। आई एग्री विद यू। अगर मुझे आप दोनों को कोई अवार्ड देना होता ना, तो मैं आप दोनों को अवार्ड देती #FirstRankOfTheMillennium। भैया लीजिए आपका फोन, ये आपका फोन। क्या बकवास फेक गुंडे हो यार तुम। जाओ पीछे खड़े हो, पीछे खड़े हो वहां पे। यार गाइस, हम तो बस यही चाहते थे कि तुम थोड़ा चिल आउट करो यार, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स दूर करो, भुला दो सब प्रॉब्लम। अबीर ब्रो, अगर आपको हमारे बीच मैचअप कराना ही था तो कोई आइसक्रीम पार्लर लेके जाते, कोई शॉपिंग मॉल ही ले जाते। आप लोगों ने तो हमें किडनैप ही कर लिया यार। #unbelievable। Absolutely। अरे अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार। ये प्लान हमारा था, गुंडे भी हमारे थे, हमें पता था तुम सेफ हो, हम तुम्हें रियली किडनैप थोड़ी करवाते। अब चलो बाहर आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे यार, तुम लोग ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारे लिए नेल स्पा की अपॉइंटमेंट बुक कराई है मैंने। नेल स्पा? बहू, मैं तुझे नेल स्पा ले जाऊंगी। कोई बात नहीं ब्रो, अगर ये नहीं जाना चाहती तो मैं चला जाऊंगा। आई लाइक नेल स्पा। हाँ बट अपॉइंटमेंट तो कुहू के नाम पे ना, वेस्ट हो जाएगी। हाँ, तो तुम चले जाओ ना अपने स्टूपिड प्लान के साथ और अपने स्टूपिड लड़कों के साथ। हाँ भी मैनिक्योरिंग। गाइस यार, एक्चुअली सॉरी, हमारी इंटेंशंस गलत नहीं थी। आई नो हमारे स्टेप्स थोड़े एक्सट्रीम थे, लेकिन इंटेंशन सही थी ना। वी आर सॉरी। वी आर सॉरी। इट्स ओके। महंगा सूट था यार, पूरा गीला हो गया। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी सूट की चिंता है और हमारी चिंता नहीं है? तुमने हमें गिराया, हमने तुम्हें गिराया, हिसाब बराबर।
अब एक घंटे तक यहाँ बैठ के सोचो कि तुमने अपना बैड बिहेवियर क्यों किया। एंड मिस्टर फेक के नापस, अगर ये लोग एक घंटे से पहले बाहर निकले ना, तो ये लेडी सिंघम आप दोनों को फिर से धो डालेगी, समझे? नहीं 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 दीदी, हम कहीं नहीं जाने देंगे। गुड, चल मिष्टी, अब हम दोनों तो पूरे भीग गए, पास ही एक बूटीक है, चेंज कर ले। मुझे शुरू से ही शक था, लेकिन फिर भी फंस गई। अब पनिशमेंट भुगतो। नहीं यार, दिस इज नॉट फेयर। मेरे पास एक अंडरवेयर भी नहीं है। मैं क्या, फोन भी गीला हो गया मेरा यार। फोन तो वाटरप्रूफ है, सूट वाटरप्रूफ नहीं था ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।